हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रूबी शहराबत ब्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ इंदलोक थर्सडे मार्केट में। जिसने इससे पहले की मेरा पार्ट नहीं देखा है इंदलोक का, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंदलोक थर्सडे मार्केट के लिए आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो इंदलोक का होगा। गेट नंबर 5 से आपको एग्जिट करना होगा और ये मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आमिर भैया के सूट का कलेक्शन दिखाया था आपको, और गुप्ता भाई के, राहुल भैया के फुटवेयर भी दिखाए थे और साड़ियाँ भी दिखाई थी। तो इसलिए जिन्हें ऐसा कुछ कलेक्शन चाहिए तो वो वहाँ पे मेरे फर्स्ट ब्लॉग को देख सकते हैं। और आज के कलेक्शन में भी आपको मैं बहुत सारा विंटर और समर का और साड़ियों का और सैंडल बेलीज बहुत सारा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे आज के इस वीडियो को बिना स्किप करे बने रहिएगा। तो इस बार कौन कौन मार्केट गया था वो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या क्या शॉपिंग करी वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ये हूँ मैं नरेश भैया की शॉप में, और आप ये बेली देखिए, बेली कह रही हूँ, ये सैंडल देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। ये सब 200 रुपये वाली है। इसमें आपको फ्लैट भी मिल जाएंगी और जो स्टार्टिंग में मैंने हील दिखाई वो भी आपको मिल जाएंगी। मुझे इस बार ना भैया की दो जो स्लीपर थी ना बहुत अच्छी लगी थी, पर वो दोनों ही मुझे नहीं आई। मैं आपको आगे दिखाऊंगी मुझे कौन सी अच्छी लगी थी। ये सब 200 वाली हैं। वो सामने रखी मैं उठा क्यों नहीं रही मुझे पता नहीं। ये वाली मुझे, एक ये वाला पीस बहुत अच्छा लगा था, इसमें मेरा साइज नहीं मिला, पर ये इकलौता भैया के पास साइज था, 36 या 37 था। तो इस ये मुझे छोटा पड़ रहा था मेरे पैर पर, तो मुझे नहीं आ रहा था। मुझे बहुत पसंद आया था ये। फिर मुझे एक और पसंद आया था 250 वाली उसमें रैक में, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। ये वाला जो है ये सारा 250 वाला है, इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली आप पहले सैंडल देखिए, इनकी हील्स कितनी डिजाइनिंग, मतलब स्टाइलिश कितनी होती है यार। ये देखो ना, देख के लग रहा है कि इसमें आप गिरोगे नहीं, एकदम फिट रहेगा। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी वेज हील्स हैं। ये वाली एक मुझे ये बहुत पसंद आई थी, इसमें देखो डॉक्टर सोल है, बहुत ही कम्फर्टेबल लग रही थी। लेकिन ये जो पीछे की स्ट्रिप है ना, ये मेरे पैर से बार बार निकल रही थी। मुझे इससे थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, शायद वो मुझे फिट आ जाता। मैं चल रही थी तो पीछे से निकल रहा था, बहुत ही मतलब प्यारी लगी थी। तो अफसोस बहुत हुआ कि दोनों ही चीज़ें मुझे नहीं आई, और दोनों ही मतलब मुझे पसंद आई थी। पर कोई नहीं, चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर भैया से फिर कुछ ऐसा ज़रूर शॉपिंग करूँगी। तो अपने साइज के हिसाब से वहीं पर ट्राई ज़रूर करिए और उसके बाद ही लीजिएगा। जैसे मैंने तो देखो चलकर देखा था तो मुझे निकल रहा था, अगर सिर्फ पहन के देखती और ले लेती तो मुझे घर पे आके बहुत दिक्कत होती, पीछे से उसकी पूरी नहीं तो स्ट्रिप्स निकलती रहती, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और मैं ना स्पोर्ट शूज़ पहनती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट कवर करनी होती तो सैंडल या चप्पल बेली में ना कम्फर्टेबल नहीं रहता है भाई। शूज़ पहन के ऐसा लगता है मेरे पैर भी शूज़ वाले ही हो गए। अब सैंडल बेली पहनते वक्त ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहन लिया हो पैर में, बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। सूट के साथ तो अब स्पोर्ट शूज़ नहीं पहन सकती ना मैं, वो तो कुछ अजीब ही हो जाएगा। अच्छा, ये रईस भैया अपनी जुतियों के साथ आए हुए थे, और भैया को मुबारकबाद दे देना, भैया दादाजी बन गए हैं, उनको पोता हुआ है। मुझे नहीं पता था भैया इतने बड़े हैं, कितनी यंग एज में उनकी शादी हो गई होगी कि वो दादा बन गए हैं। और भैया ने किसी को भी मिठाई नहीं खिलाई इस खुशी में, वेरी बैड भैया, नेक्स्ट टाइम ज़रूर खिलाइएगा। ये 300 की सारी जुतियाँ थी, 250 वाली भी भैया लेकर आए थे पर वो ओपन ही हुई थी तो मैं फिर निकल गई थी तब तक। ये देखिए दोनों भैया एक साथ ही बैठते हो, राहुल भैया है, वो फ्रॉक वाले भैया है, नरेश भैया, रईस भैया, और उनकी अब सामने बिल्कुल ये शॉप है। ये शॉप भी मैं आपको बहुत दिखाती हूँ। पहले इस पर पूरा विंटर्स का था, पिछले थर्सडे तक पूरा इनके पास विंटर का सामान था, और इस बार विंटर का मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा था, सब कुछ समर का कलेक्शन आ गया था। रेट मैंने मेंशन कर दिया है सब कुछ। जिसको भी थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस चाहिए ना, ये देखिए स्पेगेटी के साथ है, फ्रॉक वाले लुक में ऐसा कुछ चाहिए तो ले सकते हैं। इनके पास भर भर के जंप सूट हैं, किसी को अगर जंप सूट का शौक है ना वो इनकी शॉप से आके लेके जा सकता है, साइजेस आपको मिल जाएंगे। और ये वाला देखिए, ये भी जंप सूट ही है, ये देखिए ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इधर ऐसे वन पीस ड्रेसेस मिल जाएंगी, जिसको थोड़ा वेस्टर्न लुक में चाहिए ना तो वो यहाँ पे आ सकता है। और कुर्तीज भी हैं, और इनके पास मतलब मिक्स एंड मैच रखते हैं। ये देखिए वन पीस ड्रेस है, ये सब 300 की रेंज में है, ये भी वन पीस ड्रेस ही दिखा रही हूँ मैं। साइजेस आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, मैं साइजेस के लिए श्योर नहीं थी।
कि इनके पास और थे कि नहीं। ये भी आई थिंक, हाँ ये भी जंप सूट ही था। तो आप देख सकते हो पूरा समर आ गया है इनके पास तो। और अब तो इनके पास बस अगले आपको नवंबर में दिखेगा विंटर का, तब तक तो ये अब समर ही का ही कलेक्शन रखेंगे। चेंज होता रहता है एवरी थर्सडे यहाँ पे कलेक्शन। एक ये वाला पीस बहुत अच्छा था, ये बैक साइड है इस ड्रेस की, इतना बड़ा जो पीछे सर्कल दिख रहा है, इसका फ्रंट ये है। तो पीछे से बड़ा अच्छा सा सेक्सी सा लुक आएगा जो पहनेगा। देख कितने सारी ड्रेसेस थी। एक ये थी, इसकी स्लीव्स मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, ऐसे कुछ बेल स्लीव स्टाइल में थी, पता नहीं क्या ही स्टाइल था, इन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं ऐसे। और ये पूरा सिंगल वन मतलब गाउन वाले लुक में था। एक ये थोड़ा अंगरखा स्टाइल में ड्रेस थी नहीं, ये भी जंप सूट था। हाँ इसमें सब में पॉकेट्स मिल जाएंगी और आपको सारे जंप सूट्स में। एक ये ड्रेस भी थी, सब वन पीस ड्रेसेस थी, अगर जिसे चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये नहीं, ये वो था जंप सूट था आई थिंक। हाँ ये देखो कितना स्टाइलिश जंप सूट है। बहुत सारे कलेक्शन थे, क्योंकि कुछ होते हैं जिन्हें सिर्फ वेस्टर्न का शौक है, इंडियन नहीं पहनना है, तो वो यहाँ से आके ले सकते हैं। मुझे हर किसी का ख्याल रख के बनानी पड़ती है वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं। देखिए फ्रॉक वाले लुक में थी ये ड्रेस, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसे विदाउट स्लीव्स में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इनके पास। तो किसी को चाहिए तो आओ और यहाँ से खरीद सकते हैं। गली नंबर 6 में इनकी शॉप है, आप पूछ लीजिएगा, जहाँ पे नरेश भैया और रईस भैया लगाते हैं ना फुटवेयर, उनके बिल्कुल अपोजिट जो सामने शॉप है वो यही है बस इनके अंदर। और इनकी शॉप लगती है तो कुछ ऐसा सीन नहीं है कि भाई लगेगी नहीं लगेगी अगले हफ्ते। ये कप्तान भी रखते हैं भैया इस तरह के, और इन्हीं की ही शॉप है, इनके ही बिल्कुल थोड़ा साइड में लगाते हैं। ये सब 200 की वो है, यहाँ पे कुर्तीज मिल रही थी। पिछली बार इनके पास थोड़ा सस्ता था, 160 था, इस बार 200 का था। पर सूट देखिए ना, कुर्ती देखिए कितनी अच्छी है, ये पूरे वर्क हो रखा था उसके ऊपर पूरा कश्मीरी कढ़ाई में। एक ये वाला पीस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये वाले भैया यहाँ आपको मिल जाएंगे, ये सब 200 की रेंज में है जितना भी आप देख रहे हैं स्टफ। ये इस तरह की आपको साइजेस भी इनमें, हाँ साइजेस पर एक 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 मिलेगा, किसी किसी में ही होगा दो साइज। तो अगर आपको लूज है तो आपको अल्टर करानी पड़ेगी। वो देखिए ब्लू कलर का ट्रांसफॉर्मर है, उसके साथ कूड़ा घर है, उसके बिल्कुल सामने से इधर आएंगे तो ये इनकी शॉप मिलेगी। और इनके ही शॉप के बिल्कुल सामने वाली शॉप में अभी आपको दिखा रही हूँ। ये साड़ी मेरे को अच्छी लग रही थी, इसका प्रिंट 350 की थी, ये सेल हो गई थी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कॉटन की साड़ियाँ हैं, सब 350 की रेंज में थी। ये कॉटन के अलावा भी इनके पास फैब्रिक था, सिल्क था, ऑर्गेन्जा था और जॉर्जेट था, लेकिन ये मैं कॉटन दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि लेडी थी इन्होंने मेरे सामने ही दो साड़ियाँ ले ली थी, एक जो इससे पहले वाली थी और एक ये ब्राउन। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, इनका ग्रेस अलग ही आता है। मैंने ज्यादातर स्कूल टीचर्स को देखा है ऐसी साड़ी पहनते हुए, पर ये अलग ही लुक आता है भाई कॉटन की साड़ियों का। देखिए इस तरह की भी आपको साड़ियां मिल जाएंगी यहाँ पे। ये हो गई थी, सोल्ड हो गई थी ये वाली साड़ी भी। इनके पास अंदर भी शॉप के अंदर, इनकी प्रॉपर शॉप लगती तो और अंदर भी बहुत सारा कलेक्शन है, और इससे हाई रेंज में भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा ये आपको किसी को भी साड़ी लग रही है ना, तो ये साड़ी नहीं है, ये सूट है, मसलिन का सूट है, मसलिन का ही सलवार है और मसलिन का ही दुपट्टा है, सारा अटैच है, आपको कट करना पड़ेगा। इट लुक्स लाइक अ साड़ी बट दिस इज नॉट द साड़ी, ठीक है। इसमें आपको ये देखिए इतने सारे कलर्स मिल जाएंगे, डिज़ाइन बहुत सारे हैं, लेकिन सब प्रिंटेड मिलेगा आपको, कोई भी प्लेन स्टफ में नहीं मिलेगा जितना भी फैब्रिक है। और बहुत ही सॉफ्ट जो समर्स का होता है ना वो वाला स्टफ था। और भैया की वो देख रही है आपने, डिस्प्ले कितना अच्छे से किया हुआ है, एकदम ऐसे बांध के रखा हुआ है कि मजाल चोरी हो जाए इनका कोई भी सामान। पूरा बंडल भैया निकाल भी नहीं रहे थे, जो ऊपर हैंग कर रखा था ये भी सूट ही था पूरा मसलिन का, लेकिन फैब्रिक बहुत ही प्यारा था। नेक्स्ट टाइम आओ तो ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना। यहाँ पे एक भैया ने सेल लगा रखी थी, ये सब 100 रुपीज़ में मिल रहा था। यहाँ पे नेक पीस थे, इयररिंग्स भी थी, मांग जो मांग टीका होता है वो था, मतलब अलग अलग चीज़ें थी। और ये वाले भैया अगर आप लोग रेगुलर हैं इस मार्केट में तो आपने नोटिस किया होगा, ये 11-12 बजे के आसपास लगाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने भी मॉर्निंग में ये लगा दी थी अपनी ये शॉप। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कदर रश था बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे। और ये मैं अभी गली नंबर 6 में ही घूम रही हूँ, वहीं पे ही ये सारी चीज़ें।
ये सामने उसी के सामने जहाँ पे मस्लिन के सूट दिखाए उनके बिल्कुल सामने ही ऑर्गेन्जा के दुपट्टे मिल रहे थे। सब रेट मैंने मेंशन कर दिया है सबका, इसमें नेट के थे और ऑर्गेन्जा के थे। फैब्रिक आप देख सकते हैं और कोई भी पुराना पीस नहीं है, आपको वीडियो की उससे भी पता चल रहा होगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नेट के ये दुपट्टे मिल रहे थे। यहाँ पे भी अभी बस ये थोड़ी देर तक लगा था, उसके बाद फिर एमसीडी का इशू था तो ये भी हट गया था। एक ये यहाँ पे नेट का फैब्रिक मिल रहा था, कुछ इसमें मतलब मिक्स एंड मैच था, कुछ नेट था, कुछ सिल्क था, कुछ ऑर्गेन्जा का था। अभी ये देखिए ये सिल्क था, मेरे को इतना समझ नहीं आया था, बट ये कट पीसेस थे और ये 50 रुपीज़ मीटर के हिसाब से था। आपको पूरा कट पीस चाहिए तो उसका रेट अलग लग जाएगा, मतलब थोड़ा रेट कम हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। इसमें देखिए सब कुछ मिलेगा आपको, इस तरह का सिल्क मिलेगा और जिसे नॉलेज है वो प्लीज़ यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल गली नंबर 6 में है ये गुड्डू भैया की शॉप है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। मैं अंदर नहीं घुस पाई क्योंकि मुझे एंट्री ही नहीं मिली है, देखो कितनी भीड़ है। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इस बार नहीं बना पाई गुड्डू भैया की शॉप, लेकिन बिल्कुल मतलब निराश मत होइए, इनसे ही मिलती जुलती मैंने एक नई शॉप एक्सप्लोर करी है इस मार्केट में जो बिल्कुल सेम टक्कर की है भैया की, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मतलब आप मिस मत करना, मैं आपको लिंक उसके भी डाल दूंगी। और बिल्कुल सेम गुड्डू भैया जैसे शॉप है उनकी, दरियागंज से आते हैं वो भैया और ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हैं, तो बने रहना मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी, मैं ज़रूर उनकी शॉप आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो बच्चों के कपड़े थे ये सब 160 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी, इसमें समर्स और विंटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन था। समर्स का मतलब फुल स्लीव की टी शर्ट्स मिल जाएगी। ये शोएब भैया की शॉप थी, यहाँ पे भी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखिए कस्टमर बिल्कुल अंदर घुसे चढ़े जा रहे थे, सब 400 रुपये के सेट में डाला हुआ था भैया ने इस बार। ये बिल्कुल उसी में ही है बॉयज़ का, जो मैं आपको ब्रांडेड कलेक्शन दिखाती हूँ स्वेट शर्ट्स का, तो बॉयज़ जो भी है सुन रहे हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। सेल चल रही है, पिछली बार ये 450 का था ये सब कुछ, 100 रुपीज़ कम हो गया है, 350 हो गया है, एंड लेट्स होप कि नेक्स्ट वीक और 250 तक कर दें भैया। सब कुछ ब्रांडेड है और ये सारा फ्रेश पीस है, इनमें बहुत सब में टैग्स लगे होते हैं, प्राइस मेंशन होता है, तो आप देख के लीजिएगा। जो जैकेट है जैसे ये वाली है ये 450 की आपको मिल जाएगी। जैकेट की तो बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे डिज़ाइन हैं और इनके पास 5XL तक के साइज़ होते हैं जो कि नॉर्मली मिलते नहीं हैं, स्मॉल से लेके 5XL तक का भैया बताते हैं कि उनके पास रहता है आइटम, तो आप ले सकते हैं। देखिए गली नंबर जो 6 है ना, अब मैंने इसमें आपको वेस्टर्न दिखा दिया है गर्ल्स का, एथनिक दिखा दिया है, सूट दिखा दिए हैं, साड़ी दिखा दी है, लेडीज़ के शूज़ दिखा दिए हैं, बच्चों के शूज़ दिखा दिए हैं, बच्चों के मैंने एथनिक फ्रॉक्स भी दिखा दिए हैं, एथनिक फ्रॉक कह रही, एथनिक सूट दिखा दिए हैं, फ्रॉक दिखा दिए हैं, बॉयज़ के स्वेटशर्ट्स भी दिखा दिए हैं। अब एक ही गली में आप मार्केट में आएंगे ना, आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धक्का मुक्की की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचिए मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन इज़ गली नंबर 6 फॉर इंदरलोक मार्केट। तो आप आइए, एक ही गली से आप आपका घर का सारा सामान लेके जा सकते हैं चाहे तो, और सब लोगों के लिए सब कुछ लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट शॉप है इस गली नंबर 6 की, जब आप ट्रांसफार्मर की तरफ से घुसते हैं। यहाँ पे भैया ने लास्ट वीक तक 200 तक की साड़ियाँ की सेल लगाई थी, इस बार ये दोबारा 350 पर आ गए हैं, क्योंकि ये पहले भी 350 ही लगाते थे, बस बीच में ये कुछ टाइम के लिए इन्होंने 200 करा था। इनके पास बनारसी और ऑर्गेन्जा और पता नहीं क्या क्या फैब्रिक रखते हैं, ये सब कुछ इस बार आपको इनके पास मिल रहा था और ये नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा 350 की ही सेल में। और देखिए सब कुछ है इनके पास, ये शिफॉन का था, ये जॉर्जेट में है, और प्लीज़ खुलवा के ओपन करवा के फिर ही लीजिएगा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तो ये भी सेम आपको ये करना। ये भैया ऑनलाइन भी देते हैं और जो साड़ियाँ देते हैं ये। अब मैं वो गली नंबर 6 से झूले वाले पार्क की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे इन भैया की मैं हमेशा आपको कलेक्शन दिखाती हूँ, ज़्यादातर विंटर्स का रखते थे, इस बार ये देखिए समर्स का कितना सुंदर ये गाउन बोल लीजिए या सूट बोल लीजिए, और इसका फ्रिल देखिए, और इसके 4-5 पीस लेकर आए थे, रेट मैंने मेंशन कर दिया है। ये रेट इस विंटर के लिए नहीं है, सब मैं ये समर वाले का रेट बता रही हूँ, विंटर वाले वही 500 में मिल रहे थे आपको, बट समर वाला जो कलेक्शन था ना मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, स्पेशली द फ्रिल ऑफ द ड्रेस। आप ये देखिए पूरा लॉन्ग पीस है, आप इसे एज अ गाउन या फिर सूट की तरह लीजिए। देखिए इसने भैया ने ऐसे डिस्प्ले भी कितना अच्छे से किया हुआ है, तो आप ये यहाँ पे आ रहे हैं तो इनका ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें दुपट्टा मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ये आपको पर्दे मिल रहे हैं, रेट मैंने मेंशन कर दी है। स्वेट लेदर का पर्दा था ये जो फिलहाल ये वाला देख रहे हैं, इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, बाकी तो नॉर्मल फैब्रिक है, लेकिन उस स्वेट लेदर के हिसाब से 100 रुपीज़ का बहुत ही ज़्यादा सस्ता दे रहे थे भैया।
चलिए इसी के साथ फिर मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय, टेक केयर, टाटा।